तो कारवार में आ गए हैं थोड़े राइडर्स। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राइका के व्लॉग्स विच इज शॉर्टली कॉल्ड एज RGV। तो आज हम लोग आ गए और एक नए वीडियो लेकर जो कि मैं बना रहा हूँ इधर ही मेरे कारवार में। कुछ अच्छे प्लेसेस है जिसको एक्सप्लोर करने का कुछ सोचा है, तो देखते हैं। तो इन शॉर्टली मैं दिखा देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं उधर, वो जो आप लोगों को दिख रहा है माउंटेन के बाजू में जो कंपाउंड जैसे कुछ बनाया है उसको बोलते हैं ब्रेक वाटर, विच इज़ इन बैतकुल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, मतलब उधर जाने के लिए रास्ता डायरेक्टली इधर से नहीं है, हम लोगों को मतलब एक राउंड लगा के बैतकुल बोल के एक प्लेस है उधर से आना है। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ है रोहन एंड और एक फ्रेंड जो है मेरा उधर वेट कर रहा है, गौरव, जिसको आप लोगों ने देखा है पहले वीडियोस में। तो यस, लेट्स गो। सो गौरव इज हियर, इसने तो लेट कर दिया यार, इधर ही घर है और इतना लेट करता है। तो चलो गाइस चलते हैं, कुछ छोटे मोटे इधर के जो भी प्लेसेस है इंटरेस्टिंग हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग भी बने रहे इस वीडियो में। लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज़ द कारवार पोर्ट। यहाँ जितने भी जो भी फिशिंग वाले बोट्स है एंड जो भी बड़े बड़े जो भी शिप्स आते हैं कारवार में, तो उनका मतलब जैसे रेलवे स्टेशन बस स्टैंड होता है, दिस इज़ पोर्ट जहाँ पे बोटें लगती है। तो इधर से ये रास्ता है, इधर से जाना है हमको। एक छोटा सा उधर अच्छा बोट भी है, ओ एंड द वे टू ब्रेक वाटर इज फ्रॉम हियर। मैं अकेला बंदा हूँ हमारे तीनों में जो इधर पहले आया हूँ मैं। और इधर एक हमारा फेमस सॉन्ग भी शूट हुआ था अमगेले कारवार बोल के, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स है कारवार हैं उनको मालूम है। तो हम लोगों को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है इसका, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन देख सकते हैं आप लोग, जिनको भी मतलब नॉलेज वाले बंदे हैं उनको देखते ही मालूम पड़ जाएगा। इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि जितने भी शिप्स आते हैं कारवार में वो लोग इधर ही आते हैं। तो देखो छोटे छोटे बोट्स एंड कार्गो बोट का। तो मेरे मतलब चीप नॉलेज से मैंने बोल दिया कार्गो शिप, तो मतलब मुझे दूर से वैसे दिखा हो, लेकिन उसमें लिखा था करेज कुछ लिखा था, होता है यार छोटे मोटे गलती बड़े बड़े लोगों से। थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग, ये जो पीछे बंदा है मेरा रोहन, इसने मुझे पूरा ऑफ रोडिंग किया था देवलमुखी जब गए थे हम लोग, तो अभी मैं इसको ऑफ रोडिंग दिखाता हूँ इधर का। हमारे घर और तो ऑफ रोडिंग है, उतना बड़ा कुछ है नहीं। तो ऑलरेडी इधर कुछ थोड़े बाइक्स है जो कि मतलब फिशिंग के लिए आते हैं लोग, तो कोई नहीं, हम लोग फिशिंग नहीं, हम लोग वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो लेट्स सो जो मैंने बोला था आप लोगों को उस रोड से जो दिखाया था मैंने, जो कुछ कंपाउंड जैसे बना है, सो यही था वो। तो हम लोग आए थे उस रोड से जो कि है हाईवे, एंड जो पोर्ट मैंने दिखाया था वो उधर है, एंड ये है ब्रेक वाटर। ये किस रीज़न से बना है गौरव रोहन, एनी इन्फॉर्मेशन? हो सकता है ये भी सही है। रोहन बोल रहा है कि ये मतलब इधर जैसे बोट लगाते हैं तो इधर का जो भी पानी का फोर्स है उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया है, शायद ये सही भी हो सकता है। शायद नहीं सही, शायद नहीं सही है, जो हम लोग बोलते हैं वही सही है भाई। हाँ, वन ऑफ द रीज़न। यस, तो हम लोग को जाना है। तो गाइस जहाँ पे हम लोग अभी चल रहे हैं, एक्चुअली दिस इज द सी जिसमें ये रास्ता बनाया गया है। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड।
हम लोग यार लास्ट बेंचर्स है, तो आप लोग गेस कर सकते हो कि हम लोगों को जो भी नॉलेज है हमारा वो प्योर रहता है, लेकिन हम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रो नॉलेज या स्वैग नॉलेज हमें रॉ एकदम। हम लोगों इंग्लिश वर्ड नो फिल्टर ब्रो, नो फिल्टर नथिंग। इंग्लिश वाले जो भी शब्द है उसको यूज़ करके हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जो भी है रॉ एकदम। पता नहीं ये कितना किलोमीटर है, शायद नहीं ये कुछ इधर से इधर कुछ एक किलोमीटर भी नहीं है, उससे कुछ कम है, या फिर 600 to 700 मीटर्स भी रह सकता है। एंड मुझे लगता है मेरा एक फ्रेंड भी इधर रहेगा जिसके साथ मैंने मुर्डेश्वर राइड किया था। देखो उसकी भी हिमालयन का कलर यही है, पाइन ग्रीन। गौरव ये देखो इसने बियर्ड पूरा ट्रिम कर दिया है, इसलिए मास्क नहीं निकाल रहा तब से लगे। इसको अभी रिवील करेंगे हम लोग। मास्क निकालो निकाल। तो लोग इधर बैठेंगे हम लोग, मैं थोड़ा आप लोगों को इधर से सी व्यू दिखाता हूँ। सो लेट्स क्लाइंब। ओह शिट, ये दिस इज द जन्नत ऑफ कारवार यू नो। हाँ यार, मैंने बोला था कि इंग्लिश शब्द में यूज़ नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि शब्द में यूज़ नहीं करता हूँ, जितने मुझे आते हैं मैं उतना यूज़ करता हूँ, जितने नहीं आते हैं आई एम अ पुअर गाय यू नो। तो उधर देख सकते हो आप लोग, सारे लोग फिशिंग के लिए बैठे हैं एंड हम लोग जस्ट व्यू एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो दिस इज़ इट। जैसे मैंने बोला था कि इसको वाटर कंट्रोल जो भी है इसी के लिए बनाया है, जिस वेरी डीप, तो उधर से इधर तक। एंड इधर आप लोग देख सकते हो पानी का लेवल थोड़ा शांत है, एंड इधर थोड़ा वेव्स से स्ट्रॉन्ग दिखता है थोड़ा। सो यस, लेट्स एंजॉय सम सिनेमेटिक शॉट्स। सो फाइनली हम लोग जा रहे इधर से, ऐसे मतलब एक इवनिंग स्पेंड करने के लिए आए हैं इधर। अभी हम लोगों को एक अच्छा सा व्यू भी दिखता था जो कि सनसेट का, लेकिन अभी फ़िलहाल तो बहुत धूप है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चले जाते हैं। एंड यस, मेरे फ्रेंड तो चले गए। और देखो दिस इज़ GoPro, सो दिख नहीं रहा है, मुझे पता नहीं कि मैं भी दिख रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मतलब सनलाइट इधर से है एंड इधर भी थोड़ा शेडो है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो अगर आप लोगों ने इस छोटे से ब्लॉग को एंजॉय किया है तो थैंक यू। एंड अगर आप लोग इधर तक बने रहे हैं वीडियो में, अभी फ़िलहाल इस वीडियो को इधर एंड करते हैं। एंड कारवार इज़ नोन एज़ कश्मीर ऑफ कर्नाटका, एंड है भी क्योंकि इधर के जो नज़ारे हैं बहुत ही लाजवाब है। एंड अगर आप लोगों को इधर जाना हो तो कुछ मतलब ट्रैफिक का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप लोग जा सकते हो। एंड इस वाले नज़ारे तो देखो, मतलब सारे माउंटेंस एंड ऐसे नज़ारे आप लोगों को किधर भी नहीं मिल सकते हैं। लाइक दिस इज़ नॉट दैट ईजी टू गेट इट। तो हम लोग वेरी लकी है कि हम लोग कारवार से है। अभी फ़िलहाल चलते हैं हेलमेट लेके एंड एंजॉय योर लाइफ, व्हिच इज़ वेरी शॉर्ट। स्टे ट्यून्ड। थोड़ा मास्क काढ प्लीज, काढ रे प्लीज 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 चान्सच ना प्लीज रे चान्सच ना बरो दिसत रे काढ पडाय अशी बरं दिसणार रे हिरो मरे हिरो अशी काढ रे गोर इलेश काढ रे प्लीज प्लीज।